الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه بعترته الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين मोहब्बत की नज़र अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में ज़रा पहचान पैदा कर, ना हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी नई कश्ती, नई आंधी, नए तूफान पैदा कर। मज़ा है मरने जीने का इन्हीं ख़तरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दे। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। शायर कहता है कि हुस्न यूसुफ का हुआ एक जहां में चर्चा, एक नजर जिस पे पड़ी उस पे हुआ गश्तारी, हजरत रूह ने मुर्दों को किया है जिंदा, कुम कहा जिसमें हयात उसमें हुई है सारी, सामने आई जो तस्वीरें मोहम्मद मेरे, खूबियां उसमें नजर आई ये मुझको सारी, होश खो बैठा बशीर उसका नजारा करके, बेखुदी में हुआ ये शेर ज़बां पर जारी, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यद बैदा दारी, आंचे खूबा हम दारंद तन्हा दारी। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यद बैदा दारी, या रसूलल्लाह आपके अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न मौजूद है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कमाल मौजूद है, ईसा अलैहिस्सलाम का कमाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाल मौजूद है। उलमाए किराम बयान फरमाते हैं, आदम सफ़ीउल्लाह से लेके हजरत ईसा रूहुल्लाह तक अल्लाह ने जितने फजल व कमाल अंबिया किराम को अता फरमाए, वह सारे के सारे ज़ात मुस्तफ़ा में जमा फरमा दिए। शायर कहता है कि ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, या साहिब अल जमाल व या सैयद अल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लकद नुव्विर अल कमर, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। इसी दारे गेती पर एक शख्स है, नाम है हजरत सादी शिराज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, दिल के अंदर तमन्ना जागी और अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मैं आपकी नात कहना चाहता हूँ। आपने नात कहना चाही और तीन लाइन तीन मिसरे ज़बान पे आए, और मिसरे ये थे बलगल उला बिकमाली ही, कशफत दुजा भी जमाली ही, हसरत जमीउ खिसाली ही, बलगल उला भी कमाली ही, कशफत दुजा भी जमाली ही, हसनत जमीउ खिसाली ही। हजरत सादी रदी अल्लाह तआला चेर कहना चाहते हैं, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की नात बयान करना चाहते हैं, चार लाइन का चार मिसरों का शेर हुआ करता है, चार चौथा मिसरा आता नहीं, और हजरत सादी रदी अल्लाह ताला अन्हु का शेर मुकम्मल नहीं होता है, आँख लगी। मुकद्दर जागा, आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया सादी परेशान है, हाँ या रसूलल्लाह क्या बात है, या रसूलल्लाह नात कहना चाहता हूँ, तीन लाइन आ चुकी है, चौथा मिसरा आता नहीं है और शेर मुकम्मल होता नहीं। आका फरमाते तीन सुना, या रसूलल्लाह बलगल उला भी कमाल ही, कशफत तुजा भी जमाल ही, हसनत जमीउ खिसाल ही। मुस्तफ़ा फरमाते सादी बोलता क्यों नहीं, सल्लु अलैहि वाली।
सुभानअल्लाह सल्लु अलैहि व आलि। नात कहने का अंदाज और नात की रिवायत बड़ी पुरानी है। जनाबे वाला आका करीम अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा है, सहाबा इकराम का मजमा है, नबी दुआलम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, सहाबी रसूल खड़े होते हैं, या रसूलल्लाह मैं आपकी नात बयान करना चाहता हूँ, मैं आपकी शान बयान करना चाहता हूँ। आका करीम अलैहिस्सलाम मौजूद है, तशरीफ फरमा है आका करीम अलैहिस्सलाम और सहाबा का मजमा है। सहाबा इकराम के मजमे में हजरत हसन इब्न साबित ने आका करीम अलैहिस्सलाम की शान में ये शार कहे थे, या आपने इरशाद फरमाया हसन मिन कलम तरकत عيني واجمل من كلام تلد النساء خلقت مبرا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء। يا رسول الله आपको देखूं, आपको तो आपको देखूं, मैं बयान ही करना चाहता हूं। वह हसन मिन कलम तरकत तो आई नहीं, हजरत हसन बिन साबित सारे लोगों को ये बताना चाहते हैं, लोगों मेरे मुस्तफा का हुस्न ऐसा है कि आज तक हसन की नजर ने आका जैसा हुस्न देखा नहीं। आका नजरे देखे कहां से, किसी मां ने आपके जैसा बेटा जाना नहीं। या रसुल्ला ऐसा महसूस होता है कि जैसे परवरदिगार आलम पूछता गया हो, बनाता गया हो। कानक कद खुलिक्त कमा तशा, कानक कद खुलिक्त कमा तशा, अशार वही है, फिक्र वही है। इस फिक्र को तजदीद बख्शी है बरेली के इमाम ने। इरशाद फरमाते सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील कागुल ज़ैबा कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील कागुल ज़ैबा कहूँ तुझे। आगे फरमाते कहते कि सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिश है, ए जान जा मैं कान तजल्ला कहूँ तुझे। फिर फरमाया, फिर आखिर में इरशाद फरमाते हैं, आखिर में इरशाद फरमाते आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंद खल्क का आका कहूं तुझे। नात का अंदाज आका करीम अलैहिस्सलाम की शान जब इमाम ने बयान फरमाई, इरशाद फरमाते सुबह तैबा में हुई, पड़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। फरमाते या रसूलल्लाह तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जनाबे वाला सरजमीन भारत पर पढ़ा लिखा नाम एक, वो अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि महमूद का दरबार लगा हुआ है, मखलूक खुदा का जम्मे गफीर है, पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमा है, उलमा हुफाज कुर्रा मौजूद। और महमूद ने कहा था, लोगों है कोई शख्स जो मुझे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की जियारत करा दे। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की जियारत, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, अपने वक्त के दानिश्वर मौजूद हैं, कोई हाथ नहीं बढ़ाता, लब्बैक कहने कोई तैयार नहीं। फरमाया गरीब इंसान है, मजदूर इंसान है, एक गरीब उठा कहने लगा बादशाह मैं हाजिर हूं, हजरत खिजर से मुलाकात मैं कराऊंगा। फरमाया ठीक है, करना क्या होगा बादशाह, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अहलो अयाल है, मैं अयालदार शख्स हूँ, छः महीने लगेंगे चिल्ला खींचने में, छः महीने का टाइम है, छः महीने का खर्चा तुम्हें देना होगा, छः महीने मेहनत मैं करने तैयार। लिखा है कि छः महीने तक बादशाह ने उसके घर पे खर्चा पहुँचाया, और छः महीने के बाद जब उस शख्स से मुलाकात हुई तो कहने लगा कि कुछ बेतरतीबी हो गई है, छः महीने मेहनत और करनी होगी। बादशाह कहता ठीक है, मुझे खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात करनी है, छह महीने और, ठीक छह महीने और मेहनत करता रहा। और बादशाह छह महीने तक उसके घर राशन, घर के अखराजात पूरे करता रहा। साल भर हुआ, और साल भर गुजरने के बाद बादशाह ने इजलास तलब किया, सारे दानिश्वराने कौम मौजूद है, उस शख्स को बुलाएगा, फरमा बताया तो सही, मुझे खिजर अलैहिस्सलाम की जियारत का तरीका तो बताया, मेरी मुलाकात करा। हाथ जोड़ के कहता है बादशाह कहाँ मैं, कहाँ खिजर, भला सोचो तो सही, मुझ जैसा गुनाहगार मजदूर इंसान खिजर अलैहिस्सलाम से कैसे मुलाकात करा सकता है। बड़ा गरीब था, बड़ा मुफलिस और मजबूर था, मैंने तो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए तुम्हें ये ऑफर की थी, साल भर तुमने मेरे घर का खर्चा चला दिया है, न मैं खिजर अलैहिस्सलाम को आज तक देख पाया हूँ, ना उनसे मुलाकात करा सकता हूँ। बादशाह के जज्बात को ठेस पहुंची, कहने लगा है कोई जो इसकी सजा मुतय्यन करे, साल भर बादशाह को झांसा देता रहा, है कोई जो इसकी सजा बताए। आवाज आई, एक शख्स खड़ा होता है, कहने लगा बादशाह
कुत्तों के सामने डाल दो। एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग के सामने तशरीफ फरमाए तो वो कहते तो ठीक कह रहा है कोई दूसरा जो इसकी सजा मुतय्यन करे। एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा इसका गला काट दिया जाए, इसने बादशाह वक्त को बादशाह सलामत को झांसा दिया है, साल भर तक गुमराह किया है, इसकी सजा यह है कि इसका गला काट दिया जाए। क्या बात है। नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग सामने तशरीफ फरमा कहते तू ठीक कह रहा है। आया सामने मौजूद फरमाया आज तू क्या कहता है इसकी सजा क्या हो। फरमाया बादशाह साल भर तक अपने खजाने से इसके अहलो याल की जिम्मेदारी तुमने निभाई, न तुम्हारी बादशाहत में न तुम्हारे खजाने में कोई कमी आई है, मेरा मशवरा यह है इसे माफ कर दिया जाए। क्या बात है, वाह वाह। बुजुर्ग कहते हैं तूने ठीक कहा है, पहला भी ठीक, दूसरा भी ठीक, तीसरा भी ठीक है। बादशाह वक्त ने उन शख्स को सामने बुला कहने लगे बाबा बात समझ में नहीं आती, पहला शख्स कहे कुत्तों को डाल दो तुम कहते हो ठीक कहता है, दूसरा कहे कि इसका गला काट दो तुम कहते हो ठीक कहता है, अयास कहते हैं अयास कहे कि इसको माफ कर दो तुम कहते हो ठीक कहता है, सारे ठीक कैसे हो सकते हैं। फरमाया पहला शख्स इसका बाप बादशाह के कुत्तों को नहलाया करता था, बादशाह के साथ में जाकर कुत्तों का शिकार करता था, इसकी खानदान और नस्ल में ये बात चल चुकी है कि कुत्तों से रगबत बढ़ गई है, इसका बाप कुत्तों के साथ में रहता था। बादशाह ये सजा मुतय्यन नहीं कर रहा बल्कि अपना तारुफ बयान कर रहा है, अपनी पहचान बयान कर रहा है, और ये दूसरा शख्स वो है जो गोश्त का काम किया करता था, इसका बाप ये खानदानी एतबार से कुरैशी है, इनके यहाँ गले काटे जाते हैं, लिहाजा आज ये सजा मुतय्यन नहीं कर रहा है बल्कि अपनी पहचान बता रहा है, और ये जो तुम्हारे सामने अयाज खड़ा है ये कोई और नहीं सैयदजादा है। करबला के मैदान में 72 जानिसार शहीद होते हैं और फिर मदीनतुल मुनव्वरा में जब वही कातिल इनकी देवड़ी के अंदर और इनके दरगाह के अंदर और इनके दौलत कदे पे हासिल होता है तो बीमार ज़ैनुल आबिदीन जिसने करबला का सारा मंजर अपनी निगाहों के सामने देखा था वही ज़ैनुल आबिदीन मुख्तार सख्ती को पानी का प्याला पेश करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खानदाने रसूल, खानदाने रसूल। फरमाए सैयदजादा है, सैयदजादों की पहचान ये है, 72 नफूस कुदसिया कट जाते हैं ये फिर भी बद्दुआ नहीं करते, ये कौम को माफ कर दिया करते हैं, अयाज सजा मुतय्यन नहीं कर रहा बल्कि अपने खानदान का तारुफ बयान कर रहा है। अल्लाहु अकबर। बादशाह हैरान हुआ अयाज आज तक बताया क्यों नहीं तुम सैयदजादे हो। फरमाया हजरत आज तक ये राज था, आज इस शख्स ने ये राज खोला है तो एक राज मैं भी खोल देता हूँ, सबकी बातों को ठीक कहने वाला कोई और नहीं खिज़र अलैहिस्सलाम है। सुभानअल्लाह। ये सामने बैठने वाला ये कोई और नहीं, ये खिज़र अलैहिस्सलाम है। जमाने में जो पड़ती है वह दौलत सैयदों की है, कोई भी दौर हो उसमें हुकूमत सैयदों की है, गवाही दे रहा है मेरा मौला इनकी पाकी की, कुरान पाक से साबित तहारत सैयदों की है, है रहमत वाले आका के, है रहमत वाले आका के, है रहमत वाले आका के, है रहमत वाले आका के प्यारे ये शहजादे, है रहमत वाले आका के प्यारे ये शहजादे, कुरान पाक से साबित तहारत सैयदों की है। अल्लाह तबारक बताला सादात का साया हमारे सरों पर तादेर कायम होता है मता फरमाए। सारे लोग पढ़ें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक ला व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मिन मा तुबु इलैहि व आखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।